अच्छा भूत उत होते हैं कि नहीं? जोर से, आपने देखे कभी? नहीं देखे? अरे भाई, भूत का मतलब क्या है? भूत का मतलब जो आप लोग मानते हो ना, भूत ऐसे होता होगा, ऐसे ऐसा वैसा नहीं होता भूत। भूत क्या है? एक गलत थॉट, गलत विचार। एक गलत विचार यदि आपके जीवन में आ गया तो वो आपका पूरा जीवन बिगाड़ देगा। ये बात सही है कि गलत है? एक गलत विचार यदि आपके जीवन में आया तो वो आपका पूरा जीवन बिगाड़ देगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो वो जो गलत विचार था वो कौन था? वही तो भूत है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता को, गलत विचारों को ही भूत कहा जाता है। भूत का मतलब ये नहीं कि कोई और होता है, होता भी होगा, उसको मैंने कभी देखा नहीं, पर हम तो ये माने कि हमारे ऋषि मुनियों ने यदि कहा है भूत, तो भूत का मतलब ही गलत विचार है। आपके मन में गलत विचार आ गए, लोग नहीं बोलते अरे फलाने को तो भूत लग गए, मतलब शराब पी रहा, उसको लाख समझाओ कि भाई शराब ना पी, ये गलत काम ना कर, नहीं मानता, समझ लो कि इसको भूत लग गए, गलत विचार इतने अंदर तक चले गए हैं कि वो सबकी मानने को तैयार ही नहीं है, क्या कहा जाएगा? यही तो भूत है, बोलो हाँ। धुंधकारी प्रेत, अच्छा ऐसा नहीं है कि भूत होते नहीं है, होते हैं। यदि नहीं होते तो तुलसीदास जी ये क्यों लिखते कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यहां नेगेटिविटी को मान सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, गलत विचारों को मान सकते हैं। धुंधकारी भूत बना प्रेत, धुंधकारी क्या बना, क्यों बना प्रेत? क्योंकि उसने अपनी माता को सताया, पिता को सताया। जो अपने माँ बाप को सताते हैं, जो बेटे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वो प्रेत बनते हैं, और जो बहुएं अपने सास ससुर को सताती हैं, सेवा नहीं करती, वो स्त्रियां चुड़ैल बनती हैं। क्या बनती हैं? भूत की भूतनी, भूत की पत्नी, भूतनी, चुड़ैल। तो आप करती हो सास ससुर की सेवा, सही, पर आप नहीं करती हो? जब थे नीचे तब की तब तो ठीक है, और आपने करती हो सेवा, है सास? हाँ, सेवा करती हैं बहू मैया, अच्छी हैं, हाँ सेवा करना। और आप मैया, आपकी सास कहाँ है? सबकी सास यही है, हाँ? तो ऐसे कितने बच्चे हैं इनके? अच्छा, हाँ? अच्छा, और आपकी सास, अच्छा आपकी भी यही है, और ये आपकी, आपकी घर पे हैं, ठीक है। और मैया आप करती हो सास की सेवा, ये आपकी सास है? सास तो आपसे छोटी लग रही है। मैया सास हो, बहू को सास सास लेने देती हो? ठीक है ना, सेवा करना बहू सास की, पावा दबा देती हो कभी डेली? बहुत ऐसी बहू सबको मिले, सेवा जो करती हैं बहुएं वो बहुत अच्छी हैं, और जो नहीं करती वो क्या बनेंगी? चुड़ैल। हाँ, धुंधकारी क्या बना? प्रेत बना। क्या बना? प्रेत। क्यों प्रेत बना? क्योंकि उसने अपने माँ बाप की सेवा, ये बात पक्की है, जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते वो गलत जगह जाते हैं और बहुत पाप का फल भोगते, बहुत बड़ा दंड। क्या है ना, देखो हम लोगों को पता नहीं है दंड कितना मिलता। अच्छा देखो, जेल होता ना, जेल,
आप लोगों को पता है जेल में क्या होता है? नहीं पता क्या है? जब आदमी गलत करता ना, मर्डर करता है, बलात्कार करता है, चोरी करता है, 420 करता है, उसे बड़ा मजा आता है। लेकिन जब उसके बाद जेल का दंड मिलता है, सालों की सजा मिलती है, तब उसकी अक्कल ठिकाने लग जाती है। सारी जिंदगी जेल में कटती है। जेल में नाप तौल के रोटियां मिलती हैं, 6 रोटियां ही मिलेंगी आपको, बस दाल सब्जी और चावल, नप तुल के भोजन मिलता है। 6 रोटी से 7 नहीं, बस रोटी चावल। और वहां का नियम है, दिन भर कुछ काम भी कराते हैं वहां, और मतलब कुछ भी जीवन का सार नहीं है। आप लोग यहां खुली जिंदगी जी रहे हैं, बहुत मौज से जी रहे हैं, जेल में कोई भी सुविधाएं नहीं है। आपकी एक गलती पर आपको दंड मिलता है, वहां पिटाई होती है। इसलिए आप जेल नहीं गए, आपको जेल के बारे में पता नहीं, परंतु जेल में पीड़ा तो है, कष्ट तो है, वो भी एक प्रकार का नरक ही है। उसी तरह जैसे आपको लगता है ना, हम पाप कर रहे हैं, कौन देखने वाला, झूठ बोल रहे हैं, कौन देखने वाला, नहीं नहीं, आपका हर झूठ, आपका हर पाप, ये सब लिखित में है ईश्वर के घर में, और उन सब का दंड भोगना पड़ता है। इसलिए तो है, कर्मों का दंड मिलता ही मिलता है। आप ये मत सोचना कि हम बच जाएंगे, तुम्हारे बाप दादे नहीं बच पाए, भीष्म पितामह जैसे बाणों की सैया पर लेट के अपना कर्म दंड चुकाए, राजा दशरथ जी को अपना कर्म दंड भोगना पड़ा, तो फिर हम और आप कहाँ जाएंगे बच के? इसलिए भोगना पड़ता है मेरी माँ, बचता कोई नहीं है। इसलिए हर पाप से बचिएगा, क्योंकि यहाँ तो पाप करने में अच्छा लग रहा है, पर जब दंड मिलना स्टार्ट होगा, अक्कल ठिकाने लग जाएगी। धुंधकारी ने पाप तो बहुत किया, मजा आया, अब प्रेत बन गया, उसकी अक्कल ठिकाने लग गई। वो तो गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई तो धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई भागवत सुनने से। इसलिए हम कहते हैं भागवत सुना करो, और हर पाप से बचो, हर गलत काम से बचो, पाप ना हो कोशिश करो, पुण्य हो, अच्छे काम हो, माँ बाप की सेवा हो, माँ बाप का अपमान ना हो, माँ बाप का सम्मान हो,